छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। उधना रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने किया है बल प्रयोग। दरअसल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से बल का इस्तेमाल किया गया है। यात्रियों पर लाठी चार्ज किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए इंतजाम रेलवे चला रहा। कई स्पेशल ट्रेन यात्रियों से समय से पहले पहुंचने की अपील की गई है। रेलवे चला रहा है कई स्पेशल ट्रेन। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। छठ के इस महापर्व को लेकर के कई व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। यात्रियों से समय से पहले पहुंचने की अपील भी लगातार की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का इस्तेमाल आज पुलिस की तरफ से कई स्टेशन पर किया गया है। देश के कई शहरों में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से छठ के इस पर्व को लेकर भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था का महाछठ पर्व मनाने के लिए यूपी बिहार के लोग अपने घर लौटने लगे हैं। उन्होंने रेलवे की व्यवस्था को लेकर संतोष व्यक्त किया है। छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। तो देखिए कई स्टेशन को लेकर जहां संतोष जो है वो व्यक्त किया गया है, तो कई स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली है। छठ पूजा के लिए घर जाने वाले मुसाफिरों की भारी भीड़ है। ट्रेनों में लोगों को ठहरने के लिए स्थानीय और रेलवे पुलिस व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई है। तस्वीरों पर आप नजर डालिए। हर तरफ पुलिस की तैनाती की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। 23 सितंबर को आप देख रहे हैं कि जन सेवा समिति के लोगों ने जाकर प्रॉपर परमिशन ली है डीडीए के साथ और यहां पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचलि विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं? आज वो अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घाट की खुदाई हो रही थी, आकर सिटिंग मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने जेसीबी में से चाबी निकाल ली, समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सौरभ भारद्वाज जी आज माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं याद कराना चाहूंगी उन्हें, भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव ये मेरा भी गांव है। गांव के सदस्य के एक एक व्यक्ति के सुख दुख में मैं साथ खड़ी हूँ। और हाँ, पूर्वांचली समुदाय के साथ भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। आने वाले 7/8 के दिन छठ पर्व के संबंध में भी तैयारियों की समीक्षा की गई है। तो इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है और उम्मीद है के शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाए जाएंगे। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार छठ पूजा क्या है। छठ पूजा को भी जानना जरूरी हो जाता है। महिलाएं रखती है कठिन निर्जला व्रत। उगते सूर्य को अर्घ देकर के अपना व्रत महिलाएं तोड़ती है। कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है छठ। महिलाएं रखती है 36 घंटे तक उपवास। सबसे कठिन उपवास में से ये छठ पूजा का उपवास माना जाता है। 36 घंटे तक ये उपवास रखा जाता है और महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ देकर के व्रत को तोड़ती है। महिलाएं ये व्रत रखती है कठिन निर्जला व्रत। उगते सूर्य को अर्घ देकर के तोड़ा जाता है। कार्तिक महीने के छठे दिन छठ मनाई जाती है। महिलाएं ये व्रत रखती है 36 घंटे की समय अवधि है। 36 घंटे तक ये उपवास जो है महिलाएं रखती है। तो ये छठ पूजा है जिसे लेकर के पीछे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से छठ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यूपी बिहार पे रहने वाले लोग अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे हैं छठ पूजा के लिए, छठ के इस महापर्व के लिए। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है और कई स्पेशल ट्रेन्स भी जो है चलाई गई है।
तो देखिए, अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार छठ पूजा पर रेलवे की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है या बाकी तमाम प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां है। चेकिंग स्टाफ को भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब करीब आपको बता दें कि 7500 स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। बुकिंग काउंटर की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि बुकिंग के लिए किसी भी यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्रेन में चढ़ने के लिए RPF ने विशेष इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं और 7500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 4500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 2 नवंबर को चलाई गई है 168 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेन। 3 नवंबर को चलाई गई है 188 स्पेशल ट्रेन ताकि यात्रियों को तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी जा सके। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए रेलवे पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं विशेष कंट्रोल रूम। किसी तरह की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम जो पुलिस बल है वो भी तैनात किए गए हैं। पिछले साल स्पेशल ट्रेन की संख्या 3500 थी। तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं विशेष कंट्रोल रूम ताकि यात्रियों की सुविधाएं जो है वो सुरक्षित रहे, यात्रियों को तमाम सुविधाएं दी जा सके, यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना ना करना पड़े। करीब 7500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। पिछले साल 4500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 2 नवंबर को चलाई गई है 168 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेन। 3 नवंबर का अगर जिक्र करें तो 3 नवंबर को भी 188 स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई है। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए रेलवे पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हर रोज स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 3 नवंबर को 188 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए रेलवे की तरफ से पूरी तैयारियां यहां पर की गई है। रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं विशेष कंट्रोल रूम। किसी तरह की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है। पिछले साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 3500 थी। इस बार स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ना केवल पुरुष पुलिस बल आपको नजर आएगा बल्कि महिला पुलिस कॉन्स्टेबल्स भी आपको जगह जगह पर नजर आने वाली हैं। यहां पर यात्रियों की समस्या के लिए पुलिस तैनात की गई है और इसके अलावा कई स्पेशल ट्रेन जो है वो रेलवे की तरफ से चलाई गई है। हाल ही में हमने महाराष्ट्र में मुंबई में एक केस देखा था जहाँ पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ के बाद रेलवे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त यहाँ पर हो चुका है। तो उधर देश भर में छठ पर्व की तैयारियाँ तेज़ हो गई है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कृत्रिम घाट बनाए गए हैं जिसके चलते बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी हो गई है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर तिवारी ने ITO के यमुना घाट पर यमुना संसद का आयोजन किया जिसमें कि बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने शिरकत की है। इस संसद का क्या मकसद है इसको लेकर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत भी की है। यमुना में इस प्रदूषण का आलम आज किसी से छुपा नहीं है। तमाम NGO इसको लेकर संसद यज्ञ महायज्ञ के तौर पर एक यज्ञ कराया गया है, उसमें खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी आहुति दी है। सर, आप इस यज्ञ में पहुंचे, क्या मकसद इसका? देखिए, यमुना संसद और ये महायज्ञ जो है यमुना की को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए है। पिछले कई सालों से लगातार यमुना की सफाई के नाम पर देश में, दिल्ली में लूट और भ्रष्टाचार का तंत्र चला है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने वो पैसे यमुना की सफाई के नाम पर खर्च करने की बजाय अपने जेबें भरने में लगाए हैं। और माँ यमुना की जो स्थिति देख के समाज बहुत व्यथित है, और हमने भी जो उस दिन डुबकी लगाई, हमारा पक्ष सिर्फ यह था कि लोग या दिल्ली की जनता इस दर्द को समझे कि माँ यमुना की स्थिति क्या है। जो यमुना निर्मल हुआ करती थी, हम लोग इसमें स्नान करते थे, तैरते थे बचपन में अपने, आज उसकी स्थिति क्या है। और ये मुश्किल काम नहीं है यमुना को साफ़ करना, लेकिन उसके लिए ईमानदारी चाहिए, शिद्दत चाहिए और एक जुझारूपन चाहिए। तो आज जो समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जो महायज्ञ कर रहे हैं, उसमें आहुति यही डाल रहे हैं कि हम सब मिलकर
इस यमुना को साफ करेंगे और जिस सरकार ने उसको लूटने का काम किया उससे अब दिल्ली को मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। सर, मैं जब यहाँ पहुँचा लाइव देने के दौरान, मैंने जब बात करा था तो मुझे खांसी आने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक बार फिर कारंदी कुंज से वो फोटोज आई हैं, वो वीडियोज आई हैं, जो फॉर्म लगभग 5-5, 6-6 फीट ऊपर आया है। सर, आज फिर देखिए, यमुना का प्रदूषण कोई एक दिन की समस्या नहीं है। इस सरकार ने लगातार अनदेखी की है, भ्रष्टाचार की, इसलिए ये स्थिति है। और आपको जो खांसी आई है वो वायु प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। डस्ट कंट्रोल दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में पराली का धुआं रोकने की कोई व्यवस्था नहीं, पंजाब से पराली का धुआं आता ही है। दिल्ली में व्हीकल पोल्यूशन को रोकने का कोई काम नहीं है। और लगातार इस सरकार ने पोल्यूशन के नाम पर सिर्फ घपला करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसलिए हम सब व्यथित हैं और हम ये कहते हैं दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो सकती है, यमुना साफ हो सकती है, अगर ईमानदारी और शिद्दत से काम किया जाए। सौरभ भारद्वाज है दिल्ली सरकार में मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया कि डीडीए के अधिकारियों ने गेट बंद कर दिया और छठ पूजा मनाने वाले लोगों को रोका है। सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल या बाकी लोग झूठ बोलते हैं, ये उन्हीं का एक प्रतिबिंब है। मैं सौरभ भारद्वाज को आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ कि वो परमिशन दिखाएं वहाँ छठ घाट की पूजा करने की। जन सेवा समिति के पास परमिशन है, जन सेवा समिति ने पैसे जमा कराए, जन सेवा समिति के पास छठ पे पहले पूजा करने लगातार वो करते आ रहे हैं। लेकिन आप जबरदस्ती गुंडागर्दी करेंगे और किसी की परमिशन में जाके घुसने की कोशिश करेंगे तो सरकारी एजेंसीज अपना काम करेंगी। सौरभ भारद्वाज, ये छठ महापर्व है, पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार है, सूर्य देव की आराधना का पर्व है। अच्छा होता कि आप उनका सहयोग करते ना कि गुंडागर्दी की। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि वही तस्वीर एक बार फिर सामने आई, तमाम कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं, तमाम दावे एक बार फिर सरकार के फेल हुए। सर, अरविंद केजरीवाल का मतलब ही झूठ है, अरविंद केजरीवाल का मतलब ही मक्कारी है, अरविंद केजरीवाल का मतलब है धोखा। आज भी कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं, जबकि छठ महापर्व की सबसे बड़ी महत्व और विशेषता ये होती है कि बहते जल में अर्घ दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और चोरी की है। तो आज मैं इस पर्व के माध्यम से सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि इस बार कृत्रिम घाट पर बनाइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, उसके बाद माँ यमुना के आंचल में जाके हम छठ पर्व मनाएंगे। कई दावे आम आदमी पार्टी सरकार ने किए थे, उस दावे के विपरीत आप हकीकत देखेंगे तो हकीकत आपके सामने होगी और तमाम तस्वीरें आपको साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो दावे किए गए थे उसके विपरीत ही तस्वीरें इस वक्त भी सामने आ रही हैं। और सामने जो छठ को लेकर बनाया गया था, उस वक्त यमुना सांसद के भिक्षाचन महायज्ञ का दौर चल रहा है। दरअसल इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि यमुना का निर्मल हो सके, शुद्ध हो सके, जिसको लेकर तमाम सियासत भी इस वक्त दिल्ली की एक के बाद एक आमने सामने खड़ी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर। अब देखने वाली बात यह होती है कि एक बार फिर जो तस्वीरें हर पहले सालों में आती थी, यानी कृत्रिम घाट पर छठ बनाते हुए एक बार फिर आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन मनीष चौंडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, आईटीओ बैराज। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।